नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप मैसेंजर से किसी को कॉल करने जाते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, या आप मैसेंजर से ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल कर रहे हैं तब पर भी किसी भी और तरह का प्रॉब्लम आ रहा है और आपका मैसेंजर से कॉल नहीं जा रहा है, नहीं लग रहा है, और उस प्रॉब्लम को आप ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इसको रिसेंट से हटा देना है। तो चलिए इसको रिसेंट से हटा देते हैं। हटाने के बाद सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में मोबाइल के डिस्प्ले को ऊपर से नीचे की ओर डाउन करना है और एक बार एरोप्लेन मोड को ऑन करना है। ऑन करने के थोड़ा देर बाद इसको ऑफ कर देना है और यहाँ से क्या करना है कि इसको रिसेंट से हटा देना है। हटाने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। तो चलिए सेटिंग्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके फ़ोन में एक ऐप्स ऐप लिस्ट या ऐप मैनेजमेंट के नेम से कोई भी ऑप्शन दिखेगा तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो हमारे फ़ोन में ऐप्स दिया गया है तो चलिए ऐप्स पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ऊपर में आपको एक मैनेज ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपके फ़ोन में जो भी ऐप इंस्टॉल होगा यहाँ पर दिखने लगेगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको मैसेंजर ऐप को ढूँढ लेना है। ढूंढने के बाद अब आपको मैसेंजर ऐप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको एक स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे में आपको एक क्लियर डाटा का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है कि क्लियर कैश को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ से बैक करना है। नीचे में आपको एक ऐप परमिशंस का ऑप्शन मिलेगा, अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहां से आपको चेक करना है कि अलाउड में सारा परमिशन दिख रहा है कि नहीं। अगर आपके नॉट अलाउड में कुछ परमिशन दिख रहा है तो आपको क्या करना है कि नॉट अलाउड में जो भी परमिशन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है और यहां से आपको अलाउड को सिलेक्ट करना है और यहां से बैक करना है। इसी तरह से बारी बारी से आपको क्या करना है कि सारे परमिशन को अलाउ कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद आपको डाटा यूजेज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको यह चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में मोबाइल डाटा सिम 1, सिम 2, वाईफाई और बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है वह सारा ऑप्शन ऑन है कि नहीं। अगर ऑन नहीं है तो यहाँ से ऑन कर लेना है। उसके बाद इसको रिसेंट से हटा देना है। हटाने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में मैसेंजर को ओपन करना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपने फ़ोन में फेसबुक मैसेंजर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर जिनके भी पास आप कॉल करना चाहते थे यहाँ पर आप कॉल लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कॉल लगने लगेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप कॉल लग रहा है। अगर आपके फेसबुक मैसेंजर से कॉल नहीं लग रहा था, नहीं जा रहा था, तो उस प्रॉब्लम को इस तरह से ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।